अब वो कैसे अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है चेक पोस्ट का मतलब? आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है, आपको किसी ने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का? बताइए, आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास आपने चेक पोस्ट का बनाया? ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा, अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा रही है, चेक पोस्ट के तुके हैं क्या? नहीं जाने दे रहे, बांध के लिए नहीं है। इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले भी कभी चेक पोस्ट लगता, बांध पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? मेरे को वीडियो बनाएंगी, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करते, आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए, ऐसे बिल्कुल हटाइए बैरियर, क्या तुम्हें बैरियर का क्यों लगाया? मेरी हटाइए बैरियर, क्या बैरियर का क्या उचित तुम्हें ना? हेलो, अरे तुम्हें कह रहा है ये बताओ, ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया? जो गलत आधार, नहीं हमने जानते आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ तुम कौन हो? नहीं नहीं नहीं, दो घंटे तुम होता है तब सही रहे। तुम्हारा क्या दुख है? वहाँ चार घंटे खड़ी रहे, हटाओ जब इसे बैरियर तुम हटाइए ऐसे बिल्कुल। मतदान कैसा मतदान? मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किस 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 300 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदीपरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है गंभीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी।